आज की इस वीडियो में बात करने वाले जो न्यू स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जिनका हाल फिलहाल में एडमिशन हुआ है, तो वो स्टूडेंट हॉस्टल लेना चाह रहे हैं जो फर्स्ट ईयर के किसी भी सब्जेक्ट में, आप एमए, एमएससी, ठीक है, आपके होटल मैनेजमेंट जो भी कोर्स है, आपने एडमिशन लिया है एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, आपका एडमिशन अब हुआ है, तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो एडमिशन हॉस्टल लेना चाहते हैं, तो वो हॉस्टल रिलेटेड अगर आल आपको कोई डाउट है, कब फॉर्म निकलेंगे, क्या वगैरह फीस रहेगी, किस प्रकार के रूम होते हैं, कितना मेस का खर्चा होता है, ठीक है, और कैसे हॉस्टल मिलेगा, कब तक हॉस्टल मिलेगा, ठीक है, और रूम एक एक वाले हैं, सिंगल रूम है, डबल रूम है, ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अगर कोई डाउट है हॉस्टल रिलेटेड, तो नंबर व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिएगा 9350344727, ठीक है, 9 93 503 44 727। इस पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस हॉस्टल रिलेटेड फॉर्म भरा नहीं जा रहा, कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो उस रिलेटेड आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है, डिटेल में आपको जो भी दिक्कत आ रही है, कोई फॉर्म आपके मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर में, ईमेल आईडी में कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो उसे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो और आपको सारा जो है हॉस्टल का फॉर्म अप्लाई है, जो हॉस्टल कैसे मिलेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस पर दे दी जाएगी। बाकी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस हॉस्टल में आपका कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट वालों का किस हॉस्टल में मिलेगा, कितने रूम है, कैसे रूम है, हॉस्टल का खाना कैसे है, मेस हॉस्टल के अंदर होती है वहाँ ये है, उसका कितना खर्चा आता है पर महीने का, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो मिल जाएगी। हॉस्टल मतलब रात को कितने बजे तक हॉस्टल में आ सकते हैं, ठीक है, हॉस्टल में मतलब किस प्रकार की व्यवस्था है, ठीक है, सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी इस बस्ट, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि कैसे आपके फॉर्म भरे जाएंगे। जो हॉस्टल के फॉर्म है, आज 5 अगस्त हो गई है, और आपके आज या कल फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे, हालांकि आज ही हो जाएंगे, तो जैसे ही आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे अब आज या कल में, तो ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे पोर्टल पर जाकर आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, दुकान वाले से करवा सकते हैं, खुद अप्लाई कर सकते हैं आप लैपटॉप से। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर के, तो आपका इसमें एडमिन में क्लिक करना पड़ेगा, पुराने स्टूडेंट के लिए ऊपर वाले क्लिक करने का, लेकिन आप नए स्टूडेंट है तो आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर स्टूडेंट मतलब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इसके अंदर डालना है, स्टूडेंट आईडी जो भी आपको यहाँ मिला है पासवर्ड डाल देना है, ठीक है, उसके बाद लॉगिन कर देना है, ठीक है। फिर इसी प्रकार का आपका वेलकम आपका आ जाएगा, वेलकम बैक, तो इसके अंदर आपको एडमिन इस पर नीचे वाले क्लिक करना है, क्योंकि आप नए स्टूडेंट हैं, यहाँ रजिस्ट्रेशन पासवर्ड वगैरह आपको भर देना है, लॉगिन कर देना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ आपको जो है क्या है डिटेल डाल देनी है, क्या है यहाँ आपको एड्रेस, बायोमेट्रिक, सोशल, एजुकेशन डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ बात कर लेते हैं कि कितने डिस्टेंस वालों को हॉस्टल मिलता है, कम से कम कितनी डिस्टेंस, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस होगी उनको सबसे मतलब पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। तो अगर आपकी डिस्टेंस जो है वो 40 किलोमीटर प्लस है ना, तो आपको हॉस्टल आरामदारी से मिल जाएगा। इससे अगर आपकी कम है, तो उसके अंदर क्या है थोड़ी सी आपकी दिक्कत आती है कि आपको सीटें बचती हैं तो होगा, अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो आपको आरामदारी से हॉस्टल मिल जाएगा, ठीक है। आप कहीं से हैं कॉमेंट करके बताइए मुझे किस आपकी कितनी डिस्टेंस, आपको हॉस्टल मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा, अपनी डिस्टेंस आप देख सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर दिए, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ, तो यहाँ अपने डिटेल वगैरह आप अपलोड कर देना, ठीक है, और उसके बाद में इस प्रकार इंटरफेस ही आ जाएगा, और आगे क्लिक करेंगे तो आप एड्रेस डिटेल, जैसे कि इसके अंदर आपको अपना ईमेल आईडी डालनी है, वही ईमेल आईडी डालनी है जो आपने एमडीयू एडमिशन में अप्लाई करते हैं इसमें डाली थी, या अपना मोबाइल नंबर डालना है, या अपना गांव का नाम, एड्रेस पूरा डाल देना है, आप किसी शहर से हो, अदर शहर से हो, पूरी डिटेल उसके अंदर डाल देनी है, बीपीओ जो भी है, शहर वगैरह है, और आपका स्टेट हरियाणा से है या फिर अदर स्टेट से है, यूपी से, बिहार से है, राजस्थान से, पंजाब से है, अदर स्टेट से है, तो वो यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, उसके बाद आपके पिन कोड डालेंगे, अपना पिन कोड डालेंगे, फिर यहाँ क्लिक कर देंगे, ठीक है, और ठीक है, उसके बाद में आपका जो फिर से डिटेल वगैरह डाल देंगे, ठीक है, अपडेट एंड सेव पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में अपना यहाँ क्या करना है, आपको अपनी यूआर आपकी इमेज अपलोड करनी है 30 KB से 100 KB के बीच में, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर फिर से आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं, और ये अब आपको उसके थम आपका आपका जो है हाथ का अंगूठा, ठीक है, अपलोड लेफ्ट थंब यानी कि बायां हाथ का आपको अंगूठा यहाँ अपलोड करना है, उसकी मतलब फोटो खींच के यहाँ अपलोड करनी है लगा करके। उसके बाद में यहाँ बात कर लेते हैं कि अपलोड आइडेंटिटी विद प्रूफ एड्रेस, यानी कि आपको इसके अंदर आपको आधार कार्ड देना है, आधार कार्ड में आपके एड्रेस रहेगा कि आपकी वाकई में ही इतनी दूरी है,
कि नहीं, ठीक है। तो उसमें आपका एक प्रूफ आधार कार्ड लेगा, तो आधार कार्ड यहाँ इसके अंदर डाल सकते हैं, वो आधार नंबर डाल दें और यहाँ अपना उसका जो क्या फोटो यहाँ अपलोड उस कर दें, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में सेव एंड कंटिन्यू कर दें, ठीक है। उसके बाद में अपना यहाँ अपना जो डिटेल है, नेशनलिटी जैसे इंडिया हो गया, रिलीजन हिंदू मुस्लिम, आप जो भी धर्म आपका, ठीक है, डोमोसाइल रेजिडेंस, ठीक है, तो वो डालना है, एनुअल इनकम कितनी, आपकी फैमिली आईडी वो डालनी है, विवाहिता है अविवाहिता वो डालनी है आपको, एरिया रीजनल टाइप है, आइडेंटिटी कार्ड जैसे आधार कार्ड वोटर कार्ड जो भी आपका वो डाल सकते हैं यहाँ, सोशल कैटेगरी कौन सी आपकी, ठीक है, तो वो यहाँ डाल देनी है और सेव एंड कंटिन्यू क्लिक कर देना है। उसके बाद में जो आपका है इस प्रकार का आपका एजुकेशन डिटेल यहाँ रिफ्रेश करके एजुकेशन डिटेल आपको डाल देनी है, ठीक है। तो यहाँ आपको अप्लाई फॉर ऐसे क्लिक करेंगे माई अकाउंट पे, अपने खुद के जो अकाउंट आपका एमडीयू स्टूडेंट पोर्टल पे वहीं पर होगा, तो इसके अंदर अप्लाई फॉर हॉस्टल एडमिशन इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो इस पर रिफ्रेश कर देंगे और उसके बाद में नीचे जाएंगे, ठीक है, तो अप्लाई फॉर हॉस्टल एडमिशन, ठीक है। और ये इस प्रकार से आपको जो है जो फोटो जैसे अपलोड वहाँ बताई थी मैंने वो डिटेल में बता रखी है, जैसे कैसे आपको फोटो अपलोड करनी है ऐसे अपने इसी साइज में होनी चाहिए, ठीक है, या अपने डिटेल वगैरह डाल देनी है जो भी आप मांग रखी है, और ऐसे आपको आगे क्लिक करते जाना है, सेव सबमिट एंड व्यू इस पर क्लिक कर देना है।